बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे इज योर सेकंड लेक्चर आफ्टर योर समर ब्रेक एंड आई वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन टीचिंग। दिस इज क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स एंड आई एम योर टीचर मिसेस कोमल फरीद। यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे वी डिलीवर्ड द लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 8B and it was related to simplification. Today we will study about substitution. This is going to be the last topic of unit 8, introduction to algebra, and you will study about substitution and you will solve the exercise 8e in this lecture. First of all, what is substitution? A numerical value of an expression depends on the value given to each variable. क्या मतलब हुआ इसका? आपको मैंने बिल्कुल स्टार्ट में जब इंट्रोडक्शन दिया था यूनिट 8 का, तो मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कोफिशिएंट्स एंड सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस, राइट? फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो जो वेरिएबल होता है उसका मतलब भी मैंने आपको क्लियर किया था। आप पिछले लेक्चर्स जो हैं वो दोबारा से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी वैल्यू जो चेंजेबल हो, यानी कि जो चेंज हो सकती हो, ठीक है? आपको वेरिएबल की जगह वैल्यू जो है वो चेंज करके लिखनी होती है। बार बार आप उसको रिपीटेडली चेंज कर सकते हो। एक ऐसी वैल्यू जिसको आप खुद से चेंज कर सकते हो उसको आप वेरिएबल कहते हैं, ठीक है? सो कोई भी वेरिएबल अगर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जी एनी वन, तो आप उसकी जगह एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर, एक कांस्टेंट जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हो, या फिर उसकी जगह पे आप वाई को या एक्स को या ए बी सी को रिमूव कर देते हो और उसकी जगह पे वो एक नंबर लगा देते हो जो आपको गिवन होता है, ठीक है? उसके बाद आप उसका प्रोडक्ट लोगे या उसका एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सप्रेशन। उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपके उस एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है? अ प्रोडक्ट कैन बी रिटन विद अ डॉट साइन और बाय यूजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है? अभी तक आप लोग प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन सिर्फ ऐसे ही देखते आए हो कि मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप टू नंबर्स के लेफ्ट एंड राइट पर ब्रैकेट अप्लाई कर देते हो तब भी वो दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अगर आप दो नंबर्स के इन बिटवीन पॉइंट लगा देते हो, डॉट लगा देते हो, तब भी वो मल्टीप्लिकेशन को ही शो कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी अबाउट सब्स्टिट्यूशन। ओके, आपको ये भी देखना है कि आपने जब ये एग्जाम्पल्स देखे नहीं है तो आप बुक का पेज नंबर 97 एंड 98 जो है ना वो आप देखेंगे। आप नोट्स में चेक कर सकते हो टॉप पे, ठीक है? ये मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे। सॉल्व द चार्ट एट पेज नंबर 97 एंड 98। पेज नंबर 97 98 निकालेंगे अपनी बुक का और वहां पर एक चार्ट सॉल्व हुआ है, ठीक है? वहां पे उन्होंने ऑलरेडी इसमें सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंट एक्सप्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज डाल डाल के उन्होंने चेक किया है। आपने भी वहां से उसको एक दफा रिकॉल करना है, ठीक है? नाउ पार्ट टू, 3y + 2 व्हेन y इज इक्वल टू -2। नाउ वंस अगेन y की जगह पे आप लगा रहे हो -2, सही है? एंड 3 × -2 = -6 + 2 = -4। आपको इंटीजर्स के यूनिट में मैंने बताया था कि जब भी एक नेगेटिव वैल्यू में से एक पॉजिटिव वैल्यू हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, और नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो और पॉजिटिव वैल्यू छोटी हो, तो जो आंसर होता है वो भी नेगेटिव ही होता है, ठीक है? सो 4 विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट पार्ट बी, 15 - 2f व्हेन f इज इक्वल टू 3 एंड f इज इक्वल टू 8। 15 - 2f में जब हम f की जगह पर 3 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 2 × 3 = 6। 15 - 6 = 9 इज योर आंसर। नेक्स्ट अगेन 15 - 2f और f की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 8। 2 × 8 = 16। 15 - 16 = -1। अगेन इंटीजर्स वाला आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होगा। नेक्स्ट पार्ट सी,
25 minus 3p divided by 2 when p is equals to 4 and p is equals to 0. Now p आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसकी जगह पे आपको वैल्यू का डालनी है 4, ठीक है? 3 into 4 is equals to 12. 25 minus 12 equals to 13. And यहाँ पे हम whole number में इसको चेंज कर रहे हैं. 2 6 are 12 and 12 plus 1 equals to 13 is your answer. Then 25 minus 3p by 2 when p equals to 0. हर expression के लिए आपके पास दो दो values हैं, ठीक है? So second value is 0. So p की जगह पे जब हमने 0 replace किया, तो हमारे पास 3 zeros आ 0 आया. उसके बाद 25 में से अब 0 minus किया, तो answer क्या आया? 25. And again हमने इसको whole में change किया, तो 12 whole 1 by 2 आया. कैसे? 2 12s are 24 plus 1 25, right? Next part D, x divided by 3 when x is equals to 6 and x is equals to minus 30. x by 3 when x equals to 6, यानी कि x की जगह पे आप क्या लगा रहे हो? 6 की वैल्यू लगा रहे हो. Then divided by 3 होगा, तो 3 2 जा 6 होता है, तो आंसर क्या है आपके पास? 2. Then x by 3 when x is equals to minus 30, x की जगह पे आपने क्या लगाया? माइनस 30 एंड 3 टेंस आर 30 होगा, बट साइन क्या आएगा आपके पास? माइनस का, क्योंकि प्रोडक्ट और डिवीजन में जो है वो आपके पास कॉमन आंसर आता है. हम साइन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाता है. नेक्स्ट पार्ट ई, 12 डिवाइडेड बाय y व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू -6. 12 आपके पास न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल आ रहा है, और उस वेरिएबल को रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे लिखना है हमने क्या? 4. तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3. 4 3 से 12 होता है ना, सो आपके पास आंसर क्या आएगा? 3. 12 बाय y इक्वल्स टू y इक्वल्स व्हेन y इक्वल्स टू -6, y की जगह पे आप -6 लगा रहे हो. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड साइन आपके पास माइनस आएगा, क्योंकि माइनस एंड प्लस इक्वल्स टू माइनस. माइनस प्लस मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर आपके पास हमेशा माइनस में आता है. एफ पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का था, वो आपका होमवर्क है, ठीक है? नाउ एक्सरसाइज 8E, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए. कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 4t प्लस h व्हेन t इज इक्वल्स टू 3 एंड h इज इक्वल्स टू 5. 4t प्लस h आपके पास है एक्सप्रेशन. t की वैल्यू आपको 3 गिवन थी, आपने वो लगा दी. h की वैल्यू आपको 5 गिवन थी, आपने वो लगा दी. 4 3 इज 12 एंड 5 एज इट इज. 12 प्लस 5 इक्वल्स टू 17. a इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c आपके पास एक्सप्रेशन है. b की जगह पे आपको 1 लगाना है, c की जगह पे आपको -4 लगाना है. b इज 1, सो 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आया? 1. c इज -4 एंड -4 एज इट इज. 1 -4 इक्वल्स टू -3, ठीक है? अगेन इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होगा. लास्ट वन इज सी पार्ट, w इज इक्वल्स टू v प्लस m डिवाइडेड बाय 5, वेयर v इज इक्वल्स टू -3 एंड m इज इक्वल्स टू 8. v की जगह पे हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी -3, m की जगह पे हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 8. -3 इनटू 5 प्लस 8, ये कैसे आया? टेकिंग LCM आपको नजर आ रहा है. हमने यहाँ पे LCM क्यों लिया? एक आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन आ रही थी 8/5, ये जो आपको फ्रैक्शन यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है? और एक आपके पास सिंपल नॉन फ्रैक्शन थी -3, ठीक है? अब आपके पता है कि किसी भी नंबर के नीचे जब कोई नंबर नहीं होता, तो वहां पर कौन सा नंबर होता है? 1, ठीक है? सो हमने क्या किया, हमने -3 इंटू 5 किया. क्यों? जब आपके पास डिनोमिनेटर एक जगह होता है और दूसरी जगह पे नहीं होता, तो हम उसका जो कंबाइंड एलसीएम लेते हैं वो आएगा आपके पास 5. 5 1 जा 5 आ जाएगा. -3 के नीचे कोई नंबर नहीं है, उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 होगा. सो हम एलसीएम के साथ उसको डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5, ठीक है? एलसीएम जो है आपके पास 5 था, उसको आप जब 1 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 5.
उस 5 को हमने यहाँ पर लिखना है क्योंकि ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये रहा। उसके बाद इसमें ऐड हो रहा है ये प्लस 8, ठीक है। नाउ मल्टीप्लीकेशन पहले होती है बॉड मैथ्स रूल में, सो 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, माइनस साइन के साथ उनके माइनस 3 था, प्लस 8 एज इट इज, माइनस 15 प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 7। और अगेन हम इसको यहाँ पर होल में चेंज करेंगे, 5 वन जा 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 एंड माइनस साइन एज इट इज, दिस इज योर फाइनल आंसर। आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। होमवर्क में आपके पास है एक्सरसाइज 8E के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट F, ठीक है, और आपने ये वाला पार्ट सॉल्व करके नीटली प्रॉपरली मुझे कल सेंड करना है, कल तक सुबह तक, ठीक है। ये नहीं कि अब आप आधी रात तक मुझे सेंड करते रहें, आपने मुझे सुबह 9 o'clock तक, मैक्सिमम 10 o'clock तक आपने मुझे इसका ये पार्ट F जो है वो सॉल्व करके चेक कराना है। जो क्लास वर्क है वो कॉपीज पे करना जरूर है, लेकिन मुझे वो चेक नहीं कराना, पिक्चर मुझे सिर्फ पार्ट एफ की चाहिए। दोबारा मुझे इस चीज का सवाल कोई ना पूछे कि क्या आपको भेजना है और क्या नहीं भेजना, क्या करना है और क्या नहीं करना। सिंपल नजर आ रहा है जो होमवर्क है उसको आपने मुझे सेंड करना है इन पिक्चर, और बाकी का सारा काम नीट क्लीन कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका इंक्लूड नहीं है, गौर से मेरी बात सुनिएगा, ठीक हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा, एंड इजी था, शॉर्ट था, ज़्यादा लंबा नहीं था, आराम से रिलैक्स होकर इसके सारे क्वेश्चंस को देखें। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी जो मैंने पहले भी कही है कि पेज नंबर 97 और 98 पर एक कॉलम, एक चार्ट टाइप बना हुआ है, उसको उन्होंने सॉल्व करके दिया है, डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं, डिफरेंट वैल्यूज के साथ उसको वो सॉल्व करें, तो आपने भी उसको पर्सनली सॉल्व करना है खुद से, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से जो है वो सब्स्टिट्यूशन होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, एंड आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया हो। अल्लाह हाफिज़।